हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन में। मैं सोएब अहमद लेकर आ गया हूँ एक और अमेजिंग सी क्लास कोरल ड्रा की, जिसमें आज हम बात करेंगे फार्मा पैकेजिंग के डिजाइन के बारे में। फार्मा पैकेजिंग की एक डिजाइन हम बनाएंगे कंपोजिशन की, जिसमें कंपोजिशन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पेंटाप्रेजोल टेबलेट IP40mg, पेंटाप्रेजोल 40mg की टेबलेट के लिए हम ये डिजाइन बना रहे हैं। ये 40mg की टेबलेट है, तो एक छोटा इसका कार्टन बनेगा, बहुत छोटी सी टेबलेट रहेगी, तो बहुत छोटी सी स्ट्रिप इसकी रहेगी। लगभग इसका साइज हम यहाँ पर अगर लगाएंगे तो साइज यहाँ पर बहुत छोटा सा आएगा, और ये कार्टन जो है टॉप ओपन नहीं रहेगा, ये साइड ओपन रहेगा। इसमें साइड में दोनों साइड से ये ओपन हो जाएगा। एक टॉप ओपन हो जो कार्टन होता है, हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक टॉप ओपन है, इसमें ऊपर की साइड में फ्लैप आ गया और ये बंद होने के बाद यहाँ से इस तरह से खुलेगा। और ये जो हम बनाएंगे साइड ओपन रहेगा, इसमें साइड से ओपन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, टाइम पर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से इस डिजाइन को हम बनाएंगे। सारा टेक्स्ट मैटर हमने रखा हुआ है, मैं टेक्स्ट मैटर के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरह से टेक्स्ट मैटर इसमें आना है पेंटाप्रेजोल 40mg में। तो चलिए हम सबसे पहले इसका साइज लगा लेते हैं। इसका साइज हम यहाँ पर रखेंगे एलओएल की पैकिंग रहेगी ये, और इसका साइज यहाँ पर इसकी लेंथ अगर देखें तो हम फ्रंट की 115 इसकी लेंथ रहेगी, और हाइट इसकी 55 यहाँ पर हम रखेंगे, इसकी 55 यहाँ पर लेंथ रहेगी। बाकी हर कंपनी का अपना अलग अलग पंच होते हैं, जो उनकी मशीन होती है अलग अलग पंच होते हैं, स्ट्रिप अलग अलग साइज की होती है, तो वो अलग अलग उनका साइज रहता है, लेकिन रहता है इसी के अंदर में। अगर इस 40mg टेबलेट के बारे में बात करें तो इसका जो अगर साइज रहेगा अलवेलु की ऑयल का, तो वो इसी के अंदर रहेगा, 115 और 100 के बीच में लगभग रहेगा, और 50 से 55 के बीच में इसकी हाइट, इस तरह से ये साइज रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल हमने लगा लिया है 115 mm और 55 mm का। इसके बाद हमारा सबसे पहले जो आता है इसमें क्या डिजाइन हमने इसमें दिखाना है। डिजाइन बहुत ही इजीली डिजाइन, अगर देखें तो इंडिया में जो फार्मा कंपनी के डिजाइन, फार्मा पैकेजिंग के जो डिजाइन, बहुत इजी से डिजाइन होते हैं, बहुत ये कुछ ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और आजकल अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम पार्टियाँ जो हैं, जो मैक्सिमम जो कंपनियाँ हैं, जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, वो मैक्सिमम क्या करती हैं कि एक ही डिजाइन को अपने बना लेती हैं। कोई भी एक डिजाइन उन्होंने बना लेना होता है, और उसके बाद उसी में वो कलर चेंज करते रहते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत जो उन्हें करना होता है थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, या कभी कभी जैसे कोई प्रोडक्ट उनका ऐसा आया कि सिर्फ कोई आ गया, उसमें कोई फ्लेवर है, तो उसका जो सपोज के अगर कोई ऑरेंज का फ्लेवर है तो वो ऑरेंज उस पर लगा देंगे, डिजाइन वही रहेगा, उस पर कहीं पर ऑरेंज को ऐड कर देंगे और अपना कंपोजिशन चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी कंपोजिशन चेंज कर देंगे, जेनिक नेम उसका चेंज हो जाएगा, ब्रांड नेम उसका चेंज हो जाएगा, बाकी डिजाइन वो एक ही लेकर चलते हैं। काफी सारी ऐसी पार्टियां हैं, आपको अगर पता है, अगर आप फार्मा लाइन में काम करते हैं तो आपको पता होगा काफी सारी ऐसी पार्टियां हैं, ऐसी कंपनियां, मेरे पास भी दो एक पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही डिजाइन लेकर चलती हैं, उनका एक ही डिजाइन रहता है, और सिर्फ वो उसमें कलर चेंज कराती रहती हैं, और उसमें अपना जो भी कंपोजिशन वगैरह सब चेंज कराती रहती हैं। तो इसी तरह से अब हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, रेक्टेंगल लगा लिया है। रेक्टेंगल लगाने के बाद हमने इसमें अब डिजाइन लगाना है। तो डिजाइन लगाने के लिए सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जेनिक नेम यहाँ पर पहले ऐड कर लेंगे। अब हमने इसमें डिजाइन कोई लगाना है, तो डिजाइन हम किस टाइप का लगाएंगे, तो डिजाइन में आज जो है वो इंडिया इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि जेनिक नेम उसका बड़ा होना चाहिए जो उसका ब्रांड नेम है उससे। तो मैं अभी इसको जो है ना इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा फॉरन में जो चलते हैं उस तरह का एक डिजाइन में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसको, हम ब्रांड नेम उसका बड़ा रखेंगे और थोड़ा जेनिक नेम को छोटा रखेंगे। गाइडलाइन जो आपको जो टेक्स्ट मैटर की वो गाइडलाइन इंडियन वाली है, वो मैं आपको समझा दूंगा, वो सब चीज लगा दूंगा, लेकिन जो डिजाइन है मैं वो फ्रंट का कुछ अलग ही सिंपल सा बनाऊंगा, उसमें उस तरह का मतलब नहीं लगाऊंगा। अगर आप इंडिया में अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो फार्मा कंपनी में आपको क्या करना होगा, अगर ड्रग का कोई भी आइटम है, फूड में तो आप किसी भी तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रग का डिजाइन कर रहे हैं तो ड्रग में आपने क्या करना होगा, उसमें आपको गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। जैसे कि RX किसी में रेड होता है तो किसी में ब्लैक होता है, और जेनिक नेम उसमें बड़ा रखना है, ब्रांड नेम छोटा रखना है, और
ये जो वार्निंग हो गई शेड्यूल एच की वार्निंग, अगर देखेंगे शेड्यूल एच की वार्निंग यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर से यहाँ पर टाइप करना है, तो इस तरह की वार्निंग ये सब यहाँ पर लगानी है। तो वो सब इंडिया वाली जो ड्रग वाली गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम एक सिंपल सा डिजाइन यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, इसको कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद F10 प्रेस करेंगे, ये दो कॉर्नर इसके हम यहाँ पर खत्म कर देंगे और इनको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद दोनों को यहाँ पर कर्व कर लेंगे, और इस तरह से एक यहाँ पर लीफ टाइप का एक यहाँ पर हम बना देंगे थोड़ा सा। हाँ, एक लीफ टाइप का यहाँ पर हम बना देंगे, और इस लीफ का हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये सेंटर है यहाँ पर हम इसको यहाँ लाकर कॉर्नर पर रख देंगे, और इस तरह से सॉरी इस तरह से हम इसको ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक कर कर एक कॉपी ले लेंगे। और ये लेने के बाद हमने कंट्रोल आर प्रेस करना है इस तरह से। अब ये देखेंगे आप, आपका एक ये फ्लोर टाइप का बन चुका है, एक और ले लेते हैं। हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका क्या करना है, इस पर आपने कोई कलर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो कलर में यहाँ पर मजेंडा कलर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ये लगाने के बाद अब हमने ये सब इसकी आउटलाइन यहाँ पर हटा दी। आउटलाइन हटाने के बाद अब हमने इसमें लगाना है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पर आप जाएंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी को जो सेकंड वाली है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, इसको सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप इसको कर देंगे। इसको करने के बाद आप यहाँ पर इसको कहीं पर पूरा इसको यहाँ पर नहीं दिखाना है, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लगा देना है, और इसको ग्रुप कर लेना है और पावर क्लिप इनसाइड। इस तरह से पावर क्लिप करने के बाद आपने इसमें इसका ब्रांड नेम आप लेकर आएंगे इस तरह से, और ये ब्रांड नेम हमने यहाँ पर इसका लगा दिया, शेड्यूल 40 हमने इसका ब्रांड नेम रखा है, और इसका सॉरी पूरे को यहाँ से इस तरह से हम इसको इसका ब्रांड नेम रखेंगे। और RX हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो फ्रंट बना रहे हैं वो अलग तरीके से बना रहे हैं, और इसका जो निकलेंगे हम इसके नीचे यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक हो गया, और ये थोड़ा मोटा लग रहा है तो हम इसको अनबोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये करने के बाद हमने सिर्फ इसमें हिंदी नाम भी हमने नहीं देना है, इसमें जो पैकेजिंग जो पैक का साइज है वो हमने यहाँ पर देना है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और अब इसमें हमने क्या देना है, एक हमने यहाँ पर इसी को ले लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देंगे। 40 यहाँ पर ये ले लेना है, और इसको बड़ा कर कर थोड़ा और इटैलिक इसको कर लेंगे, अंदर कर देंगे इसको। और इसको हमने क्या करना है, ये यहाँ पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि इटैलिक हो चुका है, और हम इसको अगर इटैलिक से हटा दें तो थोड़ी ये दिक्कत यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि ये जो कटा हुआ यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, ये जो दिख रहा है ये इटैलिक होने की वजह से दिख रहा है, और इटैलिक से हटा देंगे तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये प्रिंटिंग में प्रॉपर आएगा। अगर हम इसको कर्व कर देते हैं तो भी ये प्रॉपर हो जाएगा इस तरह से, कर्व करने के बाद भी ये इस तरह से प्रॉपर दिखने लगेगा। अब हम इसको क्या, इसको हम कलर देंगे बहुत माइनर सा ब्लैक कलर, हम 20% यहाँ पर इसको देंगे, और ये देने के बाद अब हमने इतना ही हमने रखना है, ये डिजाइन हमारा इतना ही ओके है। और हम इसमें एक चीज और करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारा डिजाइन यहाँ पर बन चुका है फ्रंट का। और यही चीज करने के बाद अब हमने जो इसका नीचे का जो यहाँ पर कंपोजिशन हमने लिखनी है, तो कंपोजिशन के लिए हम साइज लगा देंगे यहाँ पर। ये साइज तो हमारा फ्रंट का हो गया था, तो 115, और इसका जो हाइट हम यहाँ पर रखेंगे वो 50 यहाँ पर रखेंगे, वो 55 थी यहाँ पर 50 है यहाँ पर रख देंगे हम। और इसको इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद अब हमने इसमें कंपोजिशन लगानी है। तो अभी ये देखेंगे आप, यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर सेटिंग हो रखी है, इस तरह से पूरी सेटिंग हो रखी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रुप करो और यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा, ये यहाँ पर पूरी लग चुकी है। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पेंटाप्रेजोल की जो टेबलेट है वो एंटी कोटेड होती है। ये चीज आपको
अगर आप किसी फार्मा कंपनी में काम करते हैं तो आप वहाँ पर केमिस्ट से अगर जानकारी लेंगे इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा देंगे एंटी कोटेड टेबलेट क्या है और फिल्म कोटेड क्या है और बायलेट क्या है। और आई थिंक मैंने पहली क्लास में भी आपको ये सब समझाया था कि एंटी कोटेड, बायलेट और फिल्म कोटेड टेबलेट क्या है और अनकोटेड क्या है। अनकोटेड उस पर कोई कलर का कोट नहीं हो रखा होता है, उसमें किसी तरह का कोई कलर ऊपर से नहीं लगाया होता है टेबलेट पर। और फिल्म कोटेड पे जैसे टेबलेट बन गई उसके बाद उस पर कोटिंग हो जाती है, कलर कोई भी कलर का लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। और बायलेट जो टेबलेट होती है, बायलेट टेबलेट मैक्सिमम आपको दिखेंगी, या तो आप देखेंगे बायलेट टेबलेट मिलेगी आपको, डायबिटीज की जो टेबलेट आती है वो बायलेट टेबलेट मैक्सिमम होती है। उनमें दो दो साइड में अलग अलग कलर, अलग अलग साइड में अलग अलग कलर होता है, एक बैक साइड में कुछ है, फ्रंट साइड में कुछ है। टेबलेट एक ही रहेगी लेकिन वो बायलेट टेबलेट रहेगी, दो कलर उसमें आपको शो करेंगे, एक साइड से अलग एक साइड से अलग। एंटेरिक कोटेट के बारे में कभी एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसके बारे में अच्छे से मैं एंटेरिक कोटेट के बारे में समझाऊंगा आपको। तो एंटेरिक कोटेट जो है वो मैं मोटा मोटा सा बता देता हूँ, एंटेरिक कोटेट टेबलेट क्या होती है, एंटेरिक कोटेट टेबलेट का बनाने का पर्पज क्या है। जो एंटेरिक कोटेट टेबलेट होती है वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो आप जब हम उसको लें कभी भी उसका यूज करें तो वो स्टमक में ना घुल कर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर घुले, वहीं पर उसका वो जो है डिजोल्व हो जाए। तो उसके बारे में मैं आपको बाकी तफसील से अगर बताऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा तो वो एक अलग से मैं क्लास बनाऊंगा उसके लिए। अभी के लिए मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है। तो एंटेरिक कोटेट जो है स्टमक में ना घुले और डायरेक्ट वो जाकर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर घुले। तो गाइज ये तो हो गया और टेबलेट के बारे में, जो एंटेरिक कोटेट, फिल्म कोटेट और बायलेट के बारे में और अनकोटेड के बारे में। बाकी आपको मैंने जैसे कि बताया पहली क्लास में, एक कलर अगर टेबलेट में कोई कलर है तो वो यहाँ पर आप दे देंगे। जैसे एंटी कोटेड है तो इसमें भी जो कलर रहा होगा ऊपर का जो दिख रहा होगा टेबलेट का, वो ये कलर यहाँ पर शो कर दिया है, यहाँ पर इसको दिखाना पड़ेगा। और डोसेज यहाँ पर अगर ड्रग का आइटम है तो उसमें ए डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, और फूड का है तो डाइटिशियन, और अगर किसी वेट का है, वेटरनरी है तो उसमें वेटरनेरियन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज हमारे जो इंडिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्टोरेज को यहाँ पर स्टोरेज वाली लाइन को पूरा बोल्ड करना होता है, जैसे स्टोरेज लिखा है स्टोरेज ऑफ कूल ड्राई और ये प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, पूरा यहाँ पर हमने बोल्ड करना होगा। और एक लाइन यहाँ पर ये भी जरूरी ऐड होती है, और ड्रग वाला हो या फूड वाला हो या फिर इंडिया का हो या बाहर का हो उसमें ये लाइन जरूर आएगी। अगर ड्रग का है तो यहाँ पर मेडिसिन भी ऐड होगा, और फूड का है तो उसमें सिर्फ लिखा जाएगा कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, और ड्रग का है तो कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह से आएगा। और शेड्यूल एच में आपका जो पेंटाप्रेजोल है वो शेड्यूल एच में आता है तो इसमें शेड्यूल एच आ जाएगा। और एक ये जो यहाँ पर ये वार्निंग सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि एंटी कोटेड है, और एंटी कोटेड टेबलेट में ही ये वार्निंग आती है क्योंकि उस टेबलेट का मतलब ही ये है कि वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन में जाकर ही घुले, वहीं पर वो डिजोल्व हो, इसीलिए इसको यहाँ पर मना किया गया है कि उसको आप ना उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको चबाना नहीं चाहिए। अगर एंटी कोटेड टेबलेट है तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही लेंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो रेबीपेराजोल डोमेपेरिडोन का जो कैप्सूल आता है, रेबीपेराजोल एंटी कोटेड और डोमपेरिडोन सस्टेंड रिलीज जो कैप्सूल आता है उसमें एंटी वो उसमें भी यही लिखा होता है, जैसे यहाँ पर टेबलेट लिखा है वहाँ पर कैप्सूल लिख दिया जाता है, और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी जाती है, होल एंड नॉट टू बी ओपन चेव्ड और क्रश्ड, इस तरह से एक पूरी ये लाइन हो जाती है। और ये हमारा मैन्युफैक्चर एड्रेस आ जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं तो इसका इस कंपनी का वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएंगे अगर आपको कुछ भी मैन्युफैक्चर कराना है। तो गाइज फ्रंट हमारा बन चुका है और कंपोजिशन साइड हमारी बन चुकी है, और दूसरा हमने इसी तरह से फ्रंट को दूसरे साइड में भी ये फ्रंट हमने लगा लेना है, और एक दूसरा यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा लेना है जिसमें हमने अपना मार्केटेड बाई एड्रेस जो हमने टेम्परेरी यहाँ पर बनाया हुआ है इसको इस तरह से लगा लेंगे। और इसी तरह से जो हम देखेंगे मैन्युफैक्चर लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट, ये सब यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर इसको लगा देंगे, ठीक हो गया। तो अब इनका हमने फ्लैप यहाँ पर दो फ्लैप बनाने हैं, एक
फ्लैप यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे, और ठीक हो गया। इसका फ्लैप का साइज हम यहाँ पर रखेंगे 50 और 55, 50 और 55 यहाँ पर हम इसका साइज रखेंगे, और 50 हमने यहाँ पर लेंथ रखनी है। क्यों? क्योंकि ये इसकी हाइट यहाँ पर है, तो इस तरह से इसकी ये लेंथ आएगी और ये हाइट इसकी ये 55 है, तो यहाँ पर ये 55 इस तरह से आएगी। इस तरह से ये फ्लैप हमने यहाँ पर भी लगा देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप या तो इसको मजेंडा कलर दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसको नील रखकर आप इसमें सिर्फ इस तरह से ये ब्रांड नेम के साथ ये निक नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर आप इसका मिरर चेंज कर यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका डिजाइन कंप्लीट बन चुका है। और अब इस पर हम डायमेंशन इसकी लगा देंगे। डायमेंशन यहाँ पर ले लेंगे, अभी यहाँ पर ये इंचेस यहाँ पर हो रखा है, यहाँ पर हम एमएम लगा लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इसका साइज आप इस तरह से लगा देंगे। ठीक हो गया, ये आपका साइज भी लग चुका है। तो गाइज आपका डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर हमें बताएं कैसी वीडियो आपको लगी। और जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।